ओके, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। आज बेटा हमारे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास है। मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन की बात की थी कि हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक्स है, हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। हम लोग माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जहाँ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। एंड हमने स्कार्सिटी की जब बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि स्कार्सिटी का बेसिकली मतलब सिंपली हमारे पास ये होता है, जहां पर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं। अब वो कोई भी चीज हो, वो कोई भी रिसोर्स। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे को चार रिसोर्सेस चाहिए। चार रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं? लैंड होता है, लेबर होता है, फिजिकल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को हम लोग एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। सो हम बेसिकली ये कहते हैं कि आपने कुछ भी प्रोडक्शन करनी है उसके लिए आपको लैंड चाहिए। लैंड खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए आपको उस पर काम करने के लिए लेबर चाहिए, आपको उस पर पैसा लगाना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल। और एंड में हम लोग क्या कहते हैं, यू रिक्वायर ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन नॉलेज टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो लास्ट हमारे पास जो आता है उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर। मूविंग ऑन फर्दर, हम लोगों ने आखिरी क्लास खत्म की थी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है? सोशल साइंस का ही पार्ट है। सो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। लेकिन इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में बात करती है? इकोनॉमिक्स बात करती है बेटा तीन चीजों के बारे में। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कार्स, एंड रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेट यूजेस। सबसे पहली बात, ह्यूमन वॉन्ट्स कभी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स ही नेवर एंडिंग है। अगर एक साइकिल खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली नई वॉन्ट जनरेट हो जाए। सेकेंडली, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? बहुत ही कम होते हैं, ये स्कार्स होते हैं। और तीसरा, जो आपके पास ये स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ये सिर्फ किसी एक चीज को बनाने में यूज नहीं होते, उनके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। लास्ट जैसे पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल के लिए हमने कहा था ये कार के इंजन में भी जाता है, ये एरोसोल के अंदर भी जाता है, ये एरोप्लेन के अंदर भी जाता है, और ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यूज। ओके, नाउ आज की क्लास में हम लोग प्राइमरली दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो मैक्रो में क्या फर्क। आज की क्लास थोड़ी सी मैं लाइट रखूंगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने कंटेंट को और खींचना शुरू करेंगे, ठीक है? आज के लिए ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आई गिव यू रीडिंग एंड आस्क यू सम क्वेश्चन द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है? ध्यान से देखना। 1.5 शुरू करते हैं बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट इज इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स इन व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस आर एक्चुअली राइजिंग। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टेंस। दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट पास एनी वैलिड जजमेंट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल टू अल्टीमेट एंड्स, इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी माइट डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट्स इंजूरियस टू हेल्थ, बट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन और जजमेंट ऑन व्हाट पॉलिसी ऑट टू बी फॉलोड टू अवॉइड सिगरेट्स इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद मॉरल और एथिकल क्वेश्चन, एंड इकोनॉमिक्स शुड एनालाइज थिंग्स एज दे आर एंड हैज नो राइट टू गिव जजमेंट। डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज एज स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ, दे मे बी ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, पॉल सेज दैट इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड उत्कर्ष सेज चाइना इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, देन बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। हाउएवर, पॉल इज रॉन्ग एंड उत्कर्ष इज राइट। द पॉइंट टू बी नोटिस दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद एक्चुअल डेटा। अब ध्यान से इस बात को समझना, ये जितना भी पॉजिटिव के बारे में गिवन है, जितना भी नॉर्मेटिव के बारे में गिवन है, इसको अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है बेटा फैक्ट्स के बारे में। पॉजिटिव किसके बारे में बात करता है? फैक्ट्स के बारे में। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। मैं कहता हूं इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, ये एक फैक्ट है। जो फैक्ट होता है वो किसमें आता है बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और मैं कहता हूँ इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस इट पॉपुलेशन,
इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, ये क्या है नॉर्मेटिव विलेज। ध्यान समझना, दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है बेटा पॉजिटिव, एक है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट वाज, क्या था पहले, क्या अभी है और क्या फ्यूचर में होगा, दैट इज फैक्ट। चाहे वो फैक्ट पास्ट का हो, चाहे वो फैक्ट अभी का हो, चाहे वो फैक्ट फ्यूचर, किसी भी तरह का फैक्ट अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर कोई सजेशन दिया जा रहा है कि कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सब चीजें किसमें आती है बेटा, नॉर्मेटिव के अंदर। मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा, सिर्फ एक बार ध्यान से सोचना कि ये पॉजिटिव होगा या नॉर्मेटिव। मैं एक लाइन रीड करता हूँ, मैं लाइन में कहता हूँ, प्राइजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडिया के अंदर प्राइस जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज अ फैक्ट। जब भी हमारे पास फैक्ट है तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। मैं इसी को एक और तरीके से कहता हूँ, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। क्या ये कोई फैक्ट है, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अ सजेशन। सजेशन किसमें आता है बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। अगेन देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इट इज अ फैक्ट। जैसी फैक्ट होगा तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ऐसे ही मैं कहता हूँ इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, इनको रिड्यूस करना जरूरी है। जब मैं एक सजेशन की बात करता हूँ, जब मैं एक सोल्यूशन की बात करता हूँ, तो वो किसमें आता है, बस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सिंपल एज दैट। तो पॉजिटिव में हम क्या कहते हैं, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, पुराना फैक्ट क्या था, करंट फैक्ट क्या है, फ्यूचर में फैक्ट क्या होगा। नॉर्मेटिव में हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट ऑट हैपेंड, व्हाट ऑट हैपनिंग एंड व्हाट ऑट हैपेंड। इसका सिंपली मतलब क्या है, क्या पहले होना चाहिए था, क्या अभी होना चाहिए, क्या फ्यूचर में होना चाहिए, ऑल अबाउट सजेशंस। तरफी क्या हो रहा है वो तो? यस बेटा, जो हो रहा है मतलब फैक्ट, जो भी आपका फैक्ट होगा वो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, और जो भी सजेशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, नॉर्मेटिव में जाएगा। लेकिन आपको बुक में एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करने के लिए बुक की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, पॉजिटिव बात करता है, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, और इसी में अगर ऑट लगा दोगे, शुड लगा दोगे, तो वो किस में आ जाएगा, नॉर्मेटिव में आ जाएगा। अब एक चीज हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, कई बार स्कूल में क्लियर नहीं करते बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रुथ, इसका मतलब ये नहीं है वो सच्चाई। आपके सामने कोई भी फैक्ट प्रेजेंट किया जाए वो हमेशा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा, चाहे वो फैक्ट सच्चा हो, चाहे वो फैक्ट झूठ। दो बच्चे आते हैं, एक पर्सन ए आता है, एक पर्सन बी आता है। पर्सन ए कहता है इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पर्सन बी आता है, वो कहता है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दोनों क्या है बेटा, फैक्ट्स, लेकिन दोनों में से एक सच्चा और एक झूठा, लेकिन दोनों किसका पार्ट हो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऐसे में कहूँ इंडिया शुड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन, चाइना शुड रिड्यूस पॉपुलेशन, दोनों ही किसका पार्ट होंगे बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हमने याद क्या रखना है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट की बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेशन की बात करता है। एंड सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपका फैक्ट जो है वो नेसेसरली सच्चा होगा, फैक्ट ट्रुथ भी हो सकता है, फैक्ट फॉल्स भी हो सकता है, जैसा मर्जी फैक्ट हो, अगर वो फैक्ट है तो पॉजिटिव में आ जाओ। अब मैं आप कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं कुछ भी एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मान लो एलिफेंट इज द लॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, मुझे पता ये बात सच नहीं है, लेकिन मैंने इसे फैक्ट की तरह बोला, किसका पार्ट होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैं बोलता हूँ एलिफेंट शुड रिड्यूस इट्स हाइट, किसका पार्ट होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, एज सिंपल। सो पॉजिटिव टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, नॉर्मेटिव टॉक्स अबाउट सजेशंस, लेकिन पॉजिटिव में याद रखने वाली बात क्या है, ये ट्रुथ भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। यहां तक की प्रॉब्लम है, क्लियर? क्वेश्चन आपको भी क्लियर है बेटा? ओके, आप देखो आपके सामने एक डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या कह रहे हैं, पहले मीनिंग की बात करें। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, दैट इज करंट में चीज क्या है, और नॉर्मेटिव क्या बात कर रहा है, इट डील्स विद व्हाट ऑट बी और हाउ द इकोनॉमिक बी सॉल्व। मतलब पॉजिटिव कह रहा है अभी चीज कैसे चलती है, और वो कहता है कि एक्चुअली में करना कैसे चाहिए। सो पॉजिटिव टॉक्स अबाउट फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव टॉक्स अबाउट सजेशंस।
फिर पॉजिटिव का सेकंड क्या कह रहे बेटा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, जो फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट हुआ है क्या वो फैक्ट ट्रुथ है या वो फैक्ट फॉल्स, हम चेक कर सकते हैं। मेरे पास अगर मैं आज कहता हूँ चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मैं इस फैक्ट को चेक कर सकता हूँ इंडिया और यहाँ की पॉपुलेशन को कंपेयर करके आपस में, जबकि नॉर्मेटिव को आप बेटा चेक नहीं कर सकते, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। दैट इज मैं कहता हूँ इंडिया को ये काम करना चाहिए, इंडिया शुड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन। देखिए मेरे पास में वेरिफिकेशन का कोई काम नहीं है, मैं एक सिंपली सजेशन। अच्छा, पर्पस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मेटिव, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आइडियल की बात करता है, आइडियली क्या होना चाहिए। पॉजिटिव कहता है पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉर्मेटिव कहता है आइडियली पॉपुलेशन को कम करना चाहिए। सजेस्टिव पॉजिटिव फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जबकि नॉर्मेटिव क्या है, सजेस्टिव सजेशंस के ऊपर बेस्ड है। वैल्यू जजमेंट्स, पॉजिटिव के अंदर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट है, बिकॉज आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, ऐसा होना चाहिए, इंडिया को पॉपुलेशन रिड्यूस करनी चाहिए, इंडिया को अपना प्राइस रिड्यूस करना चाहिए। एंड में हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऑलरेडी रीड कर लिए। प्राइजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, प्राइजेस जो है बेटा इंडियन इकोनॉमी में ये कॉन्स्टेंटली राइज करते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये एक फैक्ट है। मैं अगर यहाँ पर कुछ और लिख दूं, प्राइजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, मुझे पता है ये चीज फॉल्स है, लेकिन क्या ये फैक्ट भी हमें प्रेजेंट किया गया है, यस प्रेजेंट किया गया। तो चाहे फैक्ट ट्रुथ हो चाहे फैक्ट फॉल्स हो, दोनों किसका पार्ट हो, पॉजिटिव का। और जैसे सजेशन आ जाएगा इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, ये किसका पार्ट हो जाएगा बेटा, नॉर्मेटिव, दैट इज सजेशन बेस्ड। सेकंड, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, या मैं कहूँ देयर आर नॉट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, दोनों ही क्या है बेटा, फैक्ट्स। जैसे ही फैक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब मैं कहता हूँ इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए, सजेशन देता हूँ, जैसे ही वो चाहिए या सजेशन आपके पास आता है, वो किस में आ जाएगा, नॉर्मेटिव में आ जाएगा, टॉपिंग की प्रॉब्लम है। नाउ ये बेटा आपके पास वन मार्कर्स में भी आ सकता है, आपको एक चार नंबर का क्वेश्चन देंगे और आपको चार स्टेटमेंट्स देंगे, एंड दे लास्ट में बताओ कि ये पॉजिटिव है या फिर नॉर्मेटिव, या डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। एक बात और याद रखना, 11th 12th में आकर आप डिफरेंस नॉर्मली लिखकर नहीं आ सकते, डिफरेंस के साथ में बेसिस लिखने जरूरी है, ये अकाउंट्स के लिए भी चीज रेलिवेंट है, ये इकोनॉमिक्स के लिए भी रेलिवेंट है, बिजनेस करते हैं उसमें भी रेलिवेंट, आप जो भी डिफरेंस लिखोगे उसके बेसिस लिखने जरूर, नंबर कट पॉस्ट नॉर्मेटिव का लिखोगे तो मीनिंग वेरिफिकेशन पर्पस एग्जाम्पल लिखना जरूरी। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, लेट्स मूव ऑन। 1.6 की बात करते हैं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे दो मेन चीजें आती हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, माइक्रो की बात कर रहे हैं और मैक्रो। हमने 11th में क्या पढ़ ली है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th में आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेटा हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थ्योरी भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। बिफोर गोइंग ऑन फर्दर, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स दोनों में सेम, एक क्या है माइक्रोस और एक क्या है बेटा मैक्रोस। माइक्रोस का सिंपली मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल, कोई भी चीज जो छोटी होती है। आप देखो आप कहते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी चीज जो लार्ज की बात करती है। नाउ बात करते हैं, आप देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इकोनॉमिक्स के नाम आते हैं, हमारे को वन मार्कर के लिए याद रखना जरूरी है, नाम हमारे पास क्या है बेटा, नाम हमारे पास एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम लोग कहते हैं एज द फाउंडर ऑफ माइक्रो, जो आप ये 11th की बुक पढ़ रहे हो इसमें से कुछ थ्योरीज आपके पास एडम स्मिथ की भी आई, तो हमसे अगर पूछा जाए कि हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज एडम स्मिथ। नाउ माइक्रो की बात हम लोगों ने कर ली, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम कैसे पड़ा है बेटा, माइक्रो जो है ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव किया गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्मॉल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी,
लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, अ फर्म और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सप्लाइज द फाउंडेशन फॉर मोस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एटसेट्रा। इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। Then we have macro. The term macro has been derived from the Greek word macros, which means large. So macroeconomics deals with the four forms of the economy. It's concerned with study of problems of the economy like inflation, unemployment, poverty. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of economy as a whole. अब ध्यान से इस चीज को समझो। डिफरेंस पढ़ने से पहले आपके दिमाग में डिफरेंस ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक हमारे पास क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हमारे पास क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है बेटा, एडम स्मिथ। डिफरेंस पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रो से निकला है जिसका मतलब स्मॉल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रो से निकला इसका मतलब क्या होता है, लार्ज होता है, सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन फोर्थ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेटा ये इंडिविजुअल यूनिट्स की बात है। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब क्या है, अगर मैं घर के इकोनॉमिक्स की बात करूं, घर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, वो पूरे साल में कितना खर्चा करते हैं, उनको पूरे साल में कितनी इनकम होती है। सो व्हेन आई स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, जब मैं इंडिविजुअल स्टडी करता हूँ तो वो किसके अंदर आता है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने एक सोसाइटी के इकोनॉमिक्स को स्टडी करा, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने पूरे कंट्री के इकोनॉमिक्स को स्टडी करा, दैट इज मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब हम लोग इकोनॉमिक्स को स्मॉल यूनिट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब इकोनॉमिक्स को हम लोग पूरी की पूरी कंट्री पूरी इकोनॉमी ऐसा होल के ऊपर। अगर आप डेली की करते हो बेटा, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इट विल कम अंडर क्लियर होता। जब इंडिविजुअल यूनिट्स की बात आएगी तो माइक्रो में रखेंगे, जब कलेक्टिव यूनिट्स की बात आएगी तो किस में आएंगे, मैक्रो। ओके Now, एक चीज और समझने की जरूरत है बेटा हमारे पास यहाँ पे, आप देखो लिखा भी हुआ है लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, अ फर्म और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ये किस में आता है, माइक्रो के अंदर आता है। और जब ये सारे कलेक्टिवली बात करते हैं, पूरी इकोनॉमिक कंट्री कैसे चल रही है, पूरी इकोनॉमिक स्टेट कैसे चल रही है, वो किसके अंदर आता है हमारे पास, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नाउ देखो माइक्रो वर्सेज मैक्रो के अंदर हमने लेटर भी दिखा रखा है। माइक्रो के अंदर आई जो है ये इंडिविजुअल्स के लिए स्टैंड करता है, मैक्रो के अंदर ए जो है एग्रीगेट के लिए स्टैंड करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी, पूरी पूरी इकोनॉमी से होल की बिहेवियर को स्टडी इकट्ठा। अच्छा अब एक चीज देख लो बेटा, यहाँ पे आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप माइक्रो पढ़ रहे हो, अपने इंडेक्स के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर होगा डिमांड के नाम से, एक चैप्टर होगा सप्लाई के नाम से। इफ विल कम टू योर इंडेक्स, आप देखो चैप्टर नंबर 3 आपके पास डिमांड आता है, चैप्टर नंबर 9 हमारे पास क्या आता है, सप्लाई आता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो मेन टूल्स क्या है, यहाँ पर दो मेन टूल्स का मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किन दो चैप्टर्स से हम मेनली पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं डिमांड से और एक हम पढ़ते हैं सप्लाई, ये बात क्लियर होती है। वैसे ही जब हम लोग बेटा 12th की बुक देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हमारे पास क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर डिमांड सप्लाई का मतलब क्या है, एक घर की डिमांड कितनी है, एक प्रोड्यूसर का सप्लाई कितना है। जब हम लोग जाकर 12th में पढ़ेंगे तो पूरे कंट्री की डिमांड को पढ़ेंगे, पूरे कंट्री की सप्लाई, ये बात क्लियर होती है सबको। तो हमारे पास अगला टॉपिक किसका आता है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिफोर गोइंग ऑन डिफरेंस, कुछ चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई स्टैंड करता है इंडिविजुअल्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ए स्टैंड करता है एग्रीगेट के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को समझता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल को समझता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या टूल्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई होते हैं। मैक्रो में क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड, सबकी इकट्ठी डिमांड, एग्रीगेट सबकी इकट्ठी सप्लाई, चार डिफरेंस तो ऐसे ही बन गए। अब एक बार देखते हैं का डिफरेंस बना रखे, पहला तो मीनिंग का बना रखा है, आप लोग लिख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो इंडिविजुअल्स को पढ़ता है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो पूरे के पूरे इकोनॉमी एज अ होल को समझता है। टूल्स क्या है, माइक्रो का होता है डिमांड और सप्लाई, मैक्रो का होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे को एक कमोडिटी का प्राइस फाइंड आउट, ये सब चीज हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या समझना है, इंडिविजुअल चीजों की बात किसके अंदर करते हैं, माइक्रो के अंदर। और अगर मुझे पता लगाना है पूरी कंट्री की इनकम कितनी है, जैसे आप 10th में राजस्थान को लोग जीडीपी कहते हैं, या मुझे निकालना है कि पूरे कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड है, ये सब चीजें मुझे किससे पता चलेंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या है बेटा, कितना आप होल को लेते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम एग्रीगेशन होती है, मैक्रो में बहुत ज्यादा एग्रीगेशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, माइक्रो में मैंने कहा था कि मैंने एक सोसाइटी की बात की, 10-12 घर है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात की कि 10-12 घर इकट्ठे मिलते हैं माइक्रो के अंदर में रखे। लेकिन जब ऐसे बेटा 15 लाख 20 लाख घर होंगे एक कंट्री के अंदर, तो वो किसके अंदर आए, माइक्रो के अंदर आए। ओके, जब माइक्रो हम लोग पढ़ते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, जब मैक्रो हम लोग पढ़ते हैं तो हम एज्यूम करते हैं माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है। अब इसका मतलब समझना क्या होता है बेटा, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं ना उनको क्या करना पड़ता है, उनको कुछ लॉस पढ़ने पड़ते हैं, कुछ थ्योरीज पढ़ने पड़ते हैं। सो हर थ्योरी क्या होती है, कुछ एजम्पशंस होती है। वैसे ही आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो आप हर चैप्टर की कुछ एजम्पशंस पढ़ेंगे। एजम्पशंस क्यों पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज जब तक एजम्पशन ना हो तब तक लॉ नहीं बना सकते। वैसे ही जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि पूरी कंट्री में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या है, वो स्टेबल है। और जब 12th में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी स्टेबल, उसमें कोई चेंज नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। अगेन ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माइक्रो के होते हैं, जबकि बेटा आपका नेशनल इनकम जो होता है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें किसकी होती है, माइक्रो की। इन दी एंड एग्जाम्पल जो क्या दे रखे हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, एक घर की इनकम, एक प्रोड्यूसर का आउटपुट, जबकि मैक्रो में क्या हो जाएगा, पूरी कंट्री की इनकम, पूरे कंट्री का। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो। क्लियर है सबको? सो अभी तक हम लोगों ने क्लास में क्या डिस्कस करा, वी हैव डिस्कस्ड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव नॉर्मेटिव में हम लोगों ने क्या कहा, पॉजिटिव का मतलब फैक्ट होता है, नॉर्मेटिव का मतलब सजेशन होता है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, पॉजिटिव सच भी हो सकता है, पॉजिटिव झूठ भी हो सकता है। एंड हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या कहा, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज, माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पे क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इसको हम लोग प्राइस थ्योरी कहते हैं, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। ये वो पार्ट है जो इंडिजिनस को पढ़ता है, ये वो पार्ट है जो पूरी पूरी इकोनॉमी एज अ होल। जब माइक्रो को पढ़ेंगे तो मैक्रो कांस्टेंट होगा, जब मैक्रो को पढ़ेंगे तो मैक्रो कांस्टेंट होगा, एज सिंपल। क्लियर? कुछ अब चीजों की बात करते हैं, ये 1 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आते। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड द एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड देयर इज मच कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू। इट मींस बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। बेटा ध्यान से इस बात को समझ, कभी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए क्या माइक्रो और मैक्रो को सेपरेट रखा जा सकता है, इट इज नेवर पॉसिबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन एंड, माइक्रो मैक्रो पर डिपेंडेंट है, मैक्रो माइक्रो पर डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है, ध्यान से बात को सोच। मैं एक घर की इकोनॉमिक्स को पढ़ता हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, मैं पूरी कंट्री इकोनॉमिक्स को पढ़ता हूँ तो मैक्रो की बात करूँ। लेकिन बेटा पूरी कंट्री इकोनॉमिक्स बनी कैसे है, ऐसे लाखों घरों को जोड़कर। जब तक मुझे इन लाखों घरों की इंडिविजुअली इकोनॉमिक्स क्लियर नहीं होगी, क्या मैं पूरी कंट्री इकोनॉमिक्स को स्टडी कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सो माइक्रो इज डिपेंड अपॉन मैक्रो एंड मैक्रो इज डिपेंड ऑन माइक्रो, दैट इज दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट। कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है देखो यहाँ पे, अभी से एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे, ये सब डिटेल आपके 11th के सिलेबस के अंदर आएगा।
लॉ ऑफ डिमांड केम इन टू एग्जिस्टेंस फ्रॉम एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड एंड प्राइस ऑफ ट्रेवलिंग। बेटा लॉ ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट जो है किसका पार्ट है? माइक्रो का। किसका पार्ट है हमारे पास? माइक्रो का। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड हमने बनाया कैसे है पूरी कंट्री को स्टडी करके? तो माइक्रो का लॉ किस पर डिपेंडेंट? मैक्रो के। माइक्रो का लॉ बनाया कैसे पूरी कंट्री को पढ़ के? मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के। ऐसे ही देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट ऑन माइक्रो। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल। एग्जांपल आपको क्लास में दिया, मैंने क्या कहा? अगर मुझे पूरी कंट्री की इनकम को समझना है तो उसके लिए मुझे हर एक घर की इनकम को समझना आना चाहिए। मैक्रो डिपेंडेंट अपॉन माइक्रो। क्लियर? ओके, अब एक और चीज पर आते हैं। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वन मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज अ सीमिंगली एब्जर्व कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। समटाइम्स देयर आर पैराडॉक्स इन माइक्रो एंड माइक्रो एक्टिविटीज। इट मींस एन एक्ट व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल मे प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। बेटा पैराडॉक्स का मतलब जिसको ना समझ आता हो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है जिसको हम लोग ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या कहते हैं उसको? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बहुत ही फेमस साइंटिफिक थ्योरी है जिसमें होता क्या है कि मान लो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल आता है, तो एक ग्रैंडसन जो है वो क्या करता है? ग्रैंडसन जो है पास्ट के अंदर जाता है एंड पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को शूट करता है। अगर ग्रैंडसन पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को शूट कर देता है तो ये पैराडॉक्स कैसे? ये पैराडॉक्स ऐसे है बेटा कि अगर ग्रैंडसन या ग्रैंडफादर को शूट कर देगा तो आगे से फादर कभी पैदा नहीं हो पाएंगे। अगर फादर पैदा नहीं होगा तो ग्रैंडसन भी पैदा नहीं हो सकता। अगर ग्रैंडसन पैदा नहीं हो तो ग्रैंडफादर को मारा किसने? दिस इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स मीन्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जिसका आप कोई रियल मीनिंग ना निकल। वैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि माइक्रो के अंदर जो चीज बेनिफिशियल होती है वो मैक्रो के अंदर हार्मफुल हो जाती है। आप सोचो तो माइक्रो कोई तो प्लस करके मैक्रो बनता है, तो अगर माइक्रो में कोई चीज बेनिफिशियल होती है तो मैक्रो बेनिफिशियल होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है? एक पैराडॉक्स। समटाइम्स इट कैन हैपन जो पूरी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है हो सकता है वो एक पर्सन के लिए ना हो, और जो सारे पर्सन के लिए बेनिफिशियल है हो सकता है वो कंट्री के लिए ना हो। दिस इज व्हाट दिस इज अ पैराडॉक्स। क्लियर होती है सबको ये वाली बात? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? बिना पढ़े बेटा हमेशा याद रखना, माइक्रो और मैक्रो में से दोनों में से कोई भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम एक वर्ड क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों को इकट्ठा यूज करना जरूरी है। सिर्फ एक को पढ़कर आप दूसरे को जज नहीं कर सकते। अगर आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। एंड लास्टली, नीड अ सेपरेट थ्योरी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्ड टू स्टडी द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एज अ रिजल्ट देयर वाज नीड फॉर सेपरेट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू स्टडी द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस। टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, मैक्रो को इनकम थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ता है, मैक्रो पूरी की थ्योरी भी। सो आज की क्लास जो हमारी सेकेंड क्लास है, यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट की बात करी। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो मैंने बात करी लास्ट से डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या था कि इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमिक सोशल साइंस होती है। एंड हमने लास्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा था कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्या होती है। साथ में तीन एसोसिएटेड चीजें थी हमारे पास। वो तीन चीजें क्या थी? रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेट यूजेस, एंड ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करा? पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, एक करा पॉजिटिव नॉर्मेटिव और एक करा माइक्रो। पॉजिटिव नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करता है, नॉर्मेटिव सजेशंस की बात करता है। लेकिन पॉजिटिव फैक्ट्स जो है ये ट्रू भी हो सकते हैं और ये फॉल्स भी हो सकते हैं। फिर माइक्रो मैक्रो को बहुत डिटेल में करा। माइक्रो इंडिविजुअल की बात करता है, मैक्रो पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करता है। माइक्रो जो है यहाँ पे डिमांड सप्लाई है, मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है। जब एक को पढ़ते हैं दूसरे को कॉन्स्टेंट हमारे को एज्यूम करना पड़ता है। लास्टली हम लोगों ने कुछ इंडिविजुअल चीजों की बात करी। हमने सबसे पहले कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर क्या है बेटा? इंटरडिपेंडेंट है। माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट वन अनदर। आप एक से ही दूसरे को सीख सकते हो। अगर दोनों की नॉलेज नहीं होगी तो काम नहीं चल सकता है।
फिर हमने बात करी पैराडॉक्सेस की। कभी कभी क्या होता है, जो माइक्रो लेवल पर बेनिफिशियल है वो मैक्रो पर हार्मफुल हो जाए, और जो मैक्रो बेनिफिशियल है वो मैक्रो पर हार्मफुल हो जाए। और इसके लिए एग्जाम्पल किसका लिया बेटा, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का सिंपली मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज जो होना इम्पॉसिबल। जैसे एक पर्सन का पास्ट में अपने ग्रैंडफादर को शूट करने का मतलब है कि वो पर्सन ही कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है, ग्रैंडफादर को मारा किसने। एंड एंड में हम लोग आए माइक्रो मैक्रो में से क्या इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच। और लास्ट में हमने क्या कहा, जो चीज माइक्रो नहीं कर पा रहा उसके लिए हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स निकाली। मैक्रो को हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं, माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है, मैक्रो जो है वो एग्रीगेट की। ये हमारे सेकेंड क्लास के टॉपिक्स थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और डिटेल में इन चीजों को देखेंगे। नाउ आई गिव यू 5 मिनट्स, आप एक बार यहां तक पढ़कर देखो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, आई आस्क यू सम क्वेश्चन।